Okay, so good morning, everyone. Suprabhat. हम हमारे आज के सेशन के लिए शुरुआत करेंगे. सबसे पहले प्रार्थना से शुरू करेंगे. Sit straight, सीधे बैठिए. दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा. ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. द लाइट्स. धीरे धीरे खड़े रहेंगे. सबसे पहले कुछ सूक्ष्म क्रिया वार्म अप करेंगे. वार्म अप के लिए दोनों हाथ कमर पे, पैरों में थोड़ा अंतर. सबसे पहले नेक रोटेशन, ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया. गर्दन को गोल घुमाएंगे. सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए नीचे. रिवर्स. दो राउंड और. एक आखिरी राउंड. रिलैक्स. नेक्स्ट शोल्डर रोटेशन, पूर्ण भुज शक्ति विकास क्रिया. दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे. दोनों हाथ गोल घुमाएंगे. सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे. उल्टी दिशा में. रिलैक्स. अगला कमर की ओर कटी शक्ति विकास क्रिया. दोनों हाथ कमर पे, कमर गोल घुमाएंगे. रिवर्स. चेंज. घुटनों की ओर आएंगे. दोनों पैर एक साथ, हाथ घुटनों पर, घुटने गोल घुमाएंगे. नी रोटेशन. रिवर्स, उल्टी दिशा में. चेंज. नेक्स्ट पैरों की ओर जाएंगे. एंकल रोटेशन. लेफ्ट पैर ऊपर, एंकल रोटेट करेंगे. रिवर्स. लेग चेंज. राइट लेग. रिवर्स. Just a second. Right, next. पैरों की तरफ, उंगलियों की तरफ सीधे खड़े रहेंगे. सांस लेते हुए हील्स ऊपर, सांस छोड़ते हुए हील्स नीचे. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. एक और बार. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. यह हमारी सूक्ष्म क्रिया है कंप्लीट हुई. अभी हम एक स्थूल व्यायाम करेंगे, रिद गति. रिद गति के लिए आपको साइड में देखकर खड़े रहना है. दोनों हाथ सामने, हाथों की मुट्ठी,
लेफ्ट हैंड पीछे और राइट लेफ्ट लेग पीछे, फिर राइट हैंड पीछे और राइट लेग पीछे, सेम हैंड सेम लेग से मूवमेंट कंटिन्यू रखनी है। जंप करेंगे, दो बार दीर्घ श्वसन, यहाँ हमारा वार्म अप सूक्ष्म व्यायाम स्थूल व्यायाम कंप्लीट होता है। अब हम सूर्य नमस्कार की ओर जाएंगे। तो सबसे पहले मैट के एक साइड आ जाएंगे, सीधे खड़े रहिए, सांस लेते हुए और छोड़ते हुए प्रणामासन, एक दो, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, बैक बेंड पीछे झुकेंगे, आंखें खुली, घुटने सीधे, तीन, सांस छोड़ते हुए कमर से आगे झुकेंगे, हाथ पैरों की तरफ लेकर जाएंगे, पादहस्तासन, चार, सांस लेते हुए राइट पैर दाया पैर पीछे लेकर जाएंगे फ्लैट जमीन पे, बाया पैर दोनों हाथों के बीच में ऊपर देखेंगे, वन अश्वसंजनासन, सांस छोड़ते हुए पर्वतासन, बाया पैर भी पीछे, एड़ियों को जमीन पर टच करने की कोशिश करेंगे, नजर घुटनों के पास, हर एक आसन में श्वसन शुरू रखना है, सांस रोकनी नहीं है। नेक्स्ट साष्टांगासन, सांस छोड़ते हुए घुटने नीचे, चिन और चेस्ट जमीन पर, मैट पर, कमर थोड़ी ऊपर, भुजंगासन, कमर नीचे, सांस लेते हुए सर और छाती ऊपर, कंधे रिलैक्स हो गए, कंधों को ऊपर नहीं खींचना है, कंधे रिलैक्स, पर्वतासन, सांस छोड़ते हुए फिर से हील्स जमीन पे, एरिया जमीन पर, कमर ऊपर, सांस लेते हुए राइट पैर दाया पैर इस बार आगे लेकर आएंगे, लेफ्ट पैर पीछे सीधा ऊपर देखेंगे, पादहस्तासन, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट लेग आगे राइट पैर के साथ, सांस लेते हुए ऊर्ध्वहस्तासन या हस्तोत्तानासन, ऊपर उठकर बैक बेंड, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स, नमस्कार मुद्रा, प्रणामासन एंड रिलैक्स। सूर्य नमस्कार के बाद हम पहले के कल के दो आसन करेंगे, ताड़ आसन और वृक्षासन। तो सबसे पहले सीधे खड़े रहेंगे, धीरे धीरे सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, पाम्स को ऊपर की ओर फेस करेंगे, धीरे धीरे एरिया ऊपर उठाएंगे, हील्स अप, पूरे बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करेंगे, आंखें खुली रखेंगे, धीरे धीरे हील्स डाउन, हाथ रिलैक्स। अगला आसन वृक्षासन। ये दो आसन करने के बाद, पहले बॉडी थोड़ी स्ट्रेच होने के बाद, खुल जाने के बाद, फिर हम कुछ प्राणायाम करेंगे, कुछ शुद्धि क्रिया करेंगे, उसके बाद हम आगे की आसन की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अभी वृक्षासन कर लेंगे, लेफ्ट पैर ऊपर उठाएंगे, राइट थाई के अंदर से रखेंगे, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और नमस्कार मुद्रा,
बैलेंस करेंगे बॉडी राइट पैर पर। धीरे धीरे हाथ नीचे, पैर रिलैक्स, दूसरे पैर के साथ राइट पैर ऊपर, लेफ्ट थाई के अंदर से लेना है, राइट लेग अप, लेफ्ट थाई के अंदर, दोनों हाथ ऊपर, नमस्कार मुद्रा। धीरे धीरे हाथ नीचे, पैर रिलैक्स, धीरे से नीचे बैठेंगे, कोई भी सुखद स्थिति में, कंफर्टेबल पोजीशन में, पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। ध्यान मुद्रा, पीठ सीधी, आंखें बंद कर लेंगे। कपालभाति शुद्धि क्रिया हमें करनी है। फोर्सफुली सांस छोड़ते रहना है, हर बार सांस छोड़ते वक्त पेट अंदर, खुद से सांस लेनी नहीं है, सिर्फ सांस कंटिन्यूअसली छोड़ते रहनी है, अपने आप सांस ली जाएगी। 60 स्ट्रोक्स करेंगे स्टार्ट। धीरे धीरे स्पीड कम करेंगे, धीरे और रिलैक्स। अब हम नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। इसके लिए राइट हैंड की नासिका मुद्रा करेंगे, अंगूठे के बाजू वाली दोनों उंगलियां फोल्ड करेंगे, अंगूठे से राइट नाक बंद रखेंगे, पहले बची हुई सांस लेफ्ट नाक से छोड़ देंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, ये हमारा एक राउंड हुआ। ऐसे और 4 राउंड हम करेंगे। स्टार्ट, लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से रिलीज, लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से रिलीज,
आखिरी राउंड, लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से रिलीज, रिलैक्स। नाड़ी शोधन प्राणायाम के बाद अब हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए हमें फोर्सफुली सांस लेनी है और फोर्सफुली ही सांस छोड़नी है, इस तरह से। तो हम भस्त्रिका प्राणायाम की शुरुआत करेंगे। जोर से लंबी सांस लेंगे और फोर्सफुली ही सांस छोड़ेंगे, 10 बार करेंगे। लेट्स स्टार्ट। अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से क्या करना है। Last two rounds. And relax. Relax. अब हम आगे बढ़ेंगे। आज के दो प्राणायाम के बाद अब हम अगले आसन की ओर जाएंगे, जो बैठक स्थिति के आसन होंगे। लेकिन उसके पहले दो खड़े रहकर त्रिकोणासन और परिवृत्त त्रिकोणासन हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो भी आप स्थिति में हो, धीरे धीरे पैर रिलैक्स करिए। दोनों पैर आगे रखकर पैरों को थोड़ी सी मूवमेंट देकर पैर रिलैक्स। धीरे धीरे दोनों पैर पास में और सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे। अब हम त्रिकोणासन करेंगे। त्रिकोणासन के लिए दोनों पैरों में 3 से 4 फीट का अंतर रखिए। दोनों पैरों की उंगलियां सामने की ओर, दोनों हाथ धीरे धीरे साइड में लेकर आएंगे। अभी बाया पैर लेफ्ट साइड में पॉइंट करेंगे। एक सांस लेकर सांस छोड़ते हुए बाया हाथ बाएं पैर के पीछे लेकर जाएंगे। घुटना सीधे रखने की कोशिश करेंगे, घुटना मोड़ना नहीं है। दाया हाथ ऊपर, राइट हैंड अप, ऊपर की हाथ की तरफ देखेंगे। सांस शुरू रखेंगे, कीप ब्रीदिंग नॉर्मली। इसी आसन से हम परिवृत्त त्रिकोणासन में जाएंगे। आपका राइट हैंड जो है उसको नीचे लाकर लेफ्ट पैर के पास रखिए और लेफ्ट हैंड ऊपर लेकर जाइए और ऊपर के हाथ की तरफ देखिए। परिवृत्त त्रिकोणासन, श्वसन शुरू रखेंगे, कीप ब्रीदिंग नॉर्मली, घुटने सीधे, आंखें खुली। धीरे धीरे फिर से त्रिकोणासन, बाया हाथ नीचे, लेफ्ट हैंड डाउन, दाया हाथ ऊपर, राइट हैंड अप। फिर से सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर, पैर सामने। अगली दूसरी साइड से करेंगे। राइट लेग राइट साइड पॉइंट करेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट हैंड राइट पैर के पीछे, लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर, ऊपर देखेंगे। ज्यादा आगे झुकना नहीं है, कंधों को पीछे लेकर जाइए पैर की लाइन में। बैलेंस। परिवृत्त त्रिकोणासन करेंगे।
लेफ्ट हैंड राइट पैर के पास रखिए, राइट हैंड ऊपर लेके जाइए पीछे और ऊपर के हाथ की तरफ देखिए, दोनों घुटने सीधे, धीरे धीरे फिर से राइट हैंड डाउन, सांस लेते हुए लेफ्ट हैंड अप, फिर से सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे, पैर सामने पॉइंट करेंगे, हाथ रिलैक्स, पैर रिलैक्स। तो इस तरह से खड़े रहकर आसन, आज और दो आसन हमने नए किए, त्रिकोणासन और परिवृत्त त्रिकोणासन। अब धीरे धीरे नीचे बैठेंगे, कल हमने किए थे बद्ध कोणासन और पार्श्वजानु शीर्षासन, वो एक बार हम कर लेंगे। दोनों पैरों को सीधे बैठकर सीधे रखिए। अभी धीरे धीरे दोनों पैर घुटनों से मोड़कर दोनों पैरों की एरिया एक दूसरे से मिलाइए, हाथ से पास में खींचिए, पीठ सीधी रखिए। यह है बद्ध कोणासन या भद्रासन। इसी में आप आगे झुक सकते हैं, एक लंबी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए नीचे जमीन की ओर जाने की कोशिश करेंगे, पीठ सीधी रखेंगे, नजर सामने रखेंगे और धीरे धीरे नीचे जाने की कोशिश, जितना हो सके उतना ही जाइए, धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर। अब हम पार्श्वजानु शीर्षासन या परिवृत्त जानु शीर्षासन करेंगे। इसके लिए आपको बाया पैर बाएं साइड में स्ट्रेच करना होगा, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर पकड़ेंगे, राइट हैंड सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड बेंड करेंगे, राइट हैंड कान के ऊपर से सामने देखेंगे, धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर, हाथ रिलैक्स, पैर को सपोर्ट देते हुए पास में, राइट लेग राइट साइड स्ट्रेच करेंगे, राइट हैंड से राइट लेग होल्ड, सांस लेते हुए लेफ्ट हैंड अप, सांस छोड़ते हुए राइट साइड बेंड करेंगे, श्वसन शुरू रखेंगे, धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर, हाथ रिलैक्स, दोनों पैर पास में, पेट के पास प्रेस एंड रिलैक्स। अब हम आज अगला आसन करेंगे जो कि है वक्रासन। वक्रासन के लिए आपको एक पैर घुटनों से मोड़ना होगा, जैसे अभी लेफ्ट पैर घुटनों से मोड़कर राइट घुटने के लाइन में रखेंगे, कि अभी धीरे धीरे लेफ्ट पैर मोड़ा है तो लेफ्ट हैंड पीछे रखेंगे, उंगलियां पीछे की ओर, सांस लेते हुए राइट हैंड अप और सांस छोड़ते हुए राइट हैंड को लेफ्ट पैर के बाहर से लेफ्ट पैर के पास रखने की कोशिश करेंगे, कमर को ऊपर नहीं उठाएंगे, कमर जमीन पर और पीछे देखने की कोशिश, वक्रासन। श्वसन शुरू रखेंगे, धीरे धीरे सांस लेते हुए राइट हैंड अप एंड डाउन, धीरे धीरे लेफ्ट पैर सीधा, दूसरे पैर के साथ करेंगे, राइट पैर घुटनों से बेंड करके लेफ्ट घुटने के लेवल में रखेंगे, धीरे धीरे राइट हैंड पीछे, लेफ्ट हैंड सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए राइट पैर के अपोजिट साइड से जमीन पर रखेंगे और पीछे मुड़ेंगे,
हो सके पीछे मुड़ेंगे। धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स, पैर रिलीज। इसी स्थिति से हम अगला आसन करेंगे जो है वज्रासन। जिन्हें घुटनों की तकलीफ हो उन्होंने वज्रासन नहीं करना है। वज्रासन के लिए हमें एक एक करके पैर घुटनों से मोड़कर हमारे हिप्स के नीचे लेकर आना है। दोनों पैर एक साथ, हमारे हिप्स हमारे पैरों पर, पीठ सीधी, हाथ थाइस पर, घुटनों के पास। ये एकमेव ऐसा आसन है जो हम भोजन के बाद भी कर सकते हैं, जिससे हमारे डाइजेशन के लिए बहुत फायदा होता है। अगर आपको इस स्थिति में रुकने के लिए दिक्कत आती हो तो आप इधर बीच में थाइस और काफ के बीच में एक छोटा सा तकिया भी रख सकते हैं, जिससे आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा। धीरे धीरे हम वज्रासन रिलीज करेंगे, एक एक करके पैर सीधा। अब वज्रासन के बाद बैठक स्थिति के और दो आसन आज हमने नए सीखे, जिसमें वज्रासन और वक्रासन है। अब हम पेट पर लेटकर कुछ आसन करेंगे। तो पहले एक करवट पर आकर धीरे धीरे पेट के बल लेटना है। विपरीत शयन स्थिति में के आसन पहले कर लेंगे, शलभासन। दोनों हाथ थाइस के नीचे, चिन जमीन पे। वे धीरे धीरे सांस लेकर दोनों पैर सीधे ऊपर उठाएंगे। जिन्हें दोनों पैरों से नहीं पॉसिबल वो लोग एक एक पैर से करेंगे। घुटने सीधे रखेंगे, श्वसन शुरू रखेंगे। 3, 2, 1। धीरे धीरे पैर रिलैक्स। मकर आसन करके रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथ थाइस के नीचे से चिन के नीचे रखकर दोनों हाथों पे गाल रेस्ट करके दोनों पैरों में अंतर, एड़िया अंदर, उंगलियां बाहर की ओर पॉइंटेड, रिलैक्स। धीरे धीरे अगले आसन की ओर जाएंगे जो है धनुरासन। दोनों पैर एक साथ, दोनों हाथ थाइस के साइड में, चिन जमीन पर। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे, दोनों हाथों से एंकल को पकड़ेंगे एड़ी के पास। अभी जितना हो सके सांस लेते हुए ऊपर आएंगे और फिर सांस छोड़ेंगे। पूरे शरीर को नाभि पर बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। घुटने और थाइस ऊपर, हेड और चेस्ट ऊपर की ओर। सिर्फ नाभि पर बैलेंस करने की कोशिश। श्वसन शुरू रखिए धीरे धीरे। स्लोली रिलैक्स, पैर रिलीज, हाथ रिलैक्स। अब हम धीरे से एक करवट पर आकर पीठ के बल लेटेंगे। धीरे कल के आसन पहले कर लेंगे। दोनों पैर उत्तान पादासन में लेकर जाएंगे या अर्धहलासन। सांस लेते हुए दोनों पैर स्ट्रेट ऊपर, सीधे सीलिंग की तरफ, घुटने सीधे, हाथ जमीन पर,
इसी पोजीशन से धीरे धीरे हम पवन मुक्तासन में आएंगे, दोनों घुटने बेंड करेंगे और दोनों हाथों से पैरों को पेट पर प्रेस करेंगे, श्वसन शुरू रखेंगे, धीरे धीरे चिन को सांस छोड़ते हुए घुटनों के पास लेकर आएंगे, श्वसन शुरू रखेंगे, धीरे धीरे सांस लेते हुए सर नीचे, दोनों पैर ऊपर और धीरे धीरे नीचे। अगला आसन जो हमें करना है वो है सेतु बंधासन। दोनों पैरों को हिप्स के पास लेकर आएंगे, घुटनों से मोड़कर दोनों हाथ या तो एड़ियों के पास जमीन पर रखेंगे या तो एंकल होल्ड करेंगे, जिन्हें पॉसिबल हो वो लोग होल्ड करेंगे, नहीं तो सिर्फ हाथ जमीन पर रखेंगे। सांस लेते हुए धीरे धीरे कमर ऊपर, पीठ ऊपर, जितना हो सके ऊपर उठाने की कोशिश, श्वसन शुरू रखेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे रिलैक्स। इसी स्थिति से अगला आसन करेंगे जठर परिवर्तन आसन। दोनों घुटने एक साथ इसी स्थिति में, दोनों हाथ अपने शोल्डर्स के साइड में स्ट्रेच करेंगे, जमीन पर रखेंगे, पहले एक सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों घुटनों को लेफ्ट साइड जमीन पर लाएंगे एक साथ और गर्दन को राइट साइड अपोजिट दिशा में, फिर सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए दूसरी दिशा में, इसी तरह और तीन बार करेंगे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए घुटने नीचे और दो दो बार दोनों साइड से। श्वसन शुरू रखना है, घुटने नीचे लाते वक्त सांस छोड़ेंगे, घुटने ऊपर लाते वक्त सांस लेनी, ये रिलैक्स। इस तरह से और दो आसन हमने आज हर एक स्थिति के सीखे हैं। अब धीरे धीरे दोनों पैर रिलैक्स, दोनों हाथ शरीर के साइड में, शवासन में पाम्स फेसिंग अप, हथेलियां ऊपर, पैरों में अंतर, पूरी बॉडी रिलैक्स पोजीशन में। दो बार दीर्घ श्वसन करेंगे, सांस लेते हुए पेट ऊपर, सांस छोड़ते हुए पेट नीचे, रिलैक्स। धीरे धीरे फिर से बॉडी एक्टिवेट करेंगे, दोनों पैर एक साथ, हाथ शरीर के पास, धीरे धीरे एक करवट पर आएंगे और सपोर्ट के साथ उठकर बैठेंगे। कोई भी सुखद स्थिति में, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए, पीठ सीधी, गर्दन सीधी, दोनों आंखें बंद कर लेंगे, जो भी आसन प्राणायाम आज हमने किए हैं उसका शरीर पे जो भी असर हुआ है उस बदलाव को महसूस करने की कोशिश करेंगे।
अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, म, इन अक्षरों का उच्चारण करेंगे एक ही सांस में, एक के बाद एक। लंबी सांस लेकर और दीर्घ सांस लेकर स्टार्ट करेंगे। एक और बार करेंगे। एक और बार। अब एक बार दीर्घ श्वसन, 3 सेकेंड में सांस लेकर धीरे धीरे 6 सेकेंड में सांस छोड़ेंगे। इस तरह से आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे। प्रार्थना के साथ दोनों हाथ एक दूसरे से जोड़ेंगे। प्रार्थना के लिए शुरुआत। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति ही। हाथों का घर्षण करेंगे। आंखों पर अंदर ही अंदर पहले आंखें खोलकर धीरे धीरे फेस को मसाज देते हो। इस तरह से आज का सेशन यहीं पे हम समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।